नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाई फाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अकेडमी। तो बच्चों, सुबह के 6:30 बज चुके हैं और आप जुड़ चुके हैं जीके एक नज़र में। और याद होगा कि जीके एक नज़र में सुबह वाली जो क्लास थी, यानी जो कल आपने देखा, मैंने कहा भी था कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपने देखा इंडिया में। अब मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा वर्ल्ड ले चलते हैं, आपको विश्व ले चलते हैं, खासकर एथलेटिक्स में जो ना समझ में आता है, कई सारे सवाल आते हैं एथलेटिक्स के। और इसे आप याद रखिएगा, स्टैटिक जीके के रूप में पूछता है। किसमें पूछता है? स्टैटिक जीके के रूप में पूछता है। तो आज देखते हैं क्या होने वाला है जीके एक नज़र में खास। और ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ये ग्रुप को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको, आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है बच्चे, चलो और देखते हैं, समझते हैं। और ये शेड्यूल जहाँ पे अभी आप जुड़ चुके हो, 6:30 बजे जीके एक नज़र में, 6 बजे शाम को RRB NTPC स्टूडियोज़ पे, यानी स्टूडियोज़ पे 4 क्लासेस मिलती हैं आपको। पहली क्लासेस 6:30 बजे जीके एक नज़र, 9:30 बजे UP लेखपाल को टारगेट करते हुए, फिर आपको शाम के 6 बजे RRB NTPC जीके और शाम के 7 बजे RRB ग्रुप डी। 4 लेक्चर मिलता है आपको कहाँ पे? स्टूडियो चैनल पे। और 1 लेक्चर सुबह 9 बजे RRB NTPC का मेन चैनल पे। और आजकल रात के 10 बजे लग रहा है स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे, बिल्कुल फ्री, तो वहां भी जुड़कर आप फायदा उठा सकते हो। ठीक है बच्चे, खेल में प्रथम विश्व की बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, केवल एथलेटिक्स की बात करें, एथलेटिक्स पर जोर देंगे क्योंकि एथलेटिक्स से आप सवाल छोड़ कर आते हो, आज के बाद ये छोड़ना नहीं। सबसे पहले जिम हाइंस कहाँ के हैं? सर USA के हैं। 10 सेकेंड से कम समय में, 10 सेकेंड, भाई साहब सांस लें, 10 सेकेंड पार, सोचेंगे 10 सेकेंड पार हो जाता है, तो 10 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन है? जिम हाइंस, जो USA का है। कहाँ का है ये? USA का है। तो द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रन द 100 मीटर रेस इन अंडर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन है? जिम हाइंस। जिम हाइंस ने 15 वर्षों के लिए रिकॉर्ड अपने पास रखा था 100 मीटर का, 15 वर्षों। 1968 में 100 मीटर में आधिकारिक तौर पर 10 सेकंड के अवरोध को तोड़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए और मैक्सिको सिटी ओलंपिक में व्यक्तिगत और रिले स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है बच्चे, अगर मैं इसके आगे बात करूं तो ये समझना, दूसरा क्या है सर? टॉम स्मिथ, ये भी बंदा कहां से है? तो ये भी खिलाड़ी USA से जुड़ा है। द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रन द 200 मीटर रेस इन अंडर 20 सेकेंड्स। वो 10 सेकेंड था, ये 20 सेकेंड है, यानी 200 मीटर की दौड़ को 20 सेकेंड से कम में करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति। यार ये लोग क्या खाते हैं, समझ लो किस चक्की का आटा खाता है बंदा। यानी सोचा और दौड़ कर फुर हो गया। तो टॉमी स्मिथ, वो भी देख रहे हो कहां का? USA का है। कहां का? USA का। तो 1968 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्मिथ ने 24 वर्ष की आयु में 200 मीटर स्प्रिंट फाइनल और 19.83 सेकंड में स्वर्ण पदक जीता। पहली बार 20 सेकंड का अवरोध कानूनी रूप से टूट गया। 20 सेकंड का अवरोध क्यों? 20 सेकंड के पहले भैया जीत गया, देख रहे हो, 19.83 सेकंड में। रोजर बैनिस्टर, ये UK के हैं। रोजर बैनिस्टर UK, द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रन द 1600 मीटर रेस इन अंडर 4 मिनट्स। 4 मिनट से कम समय में 1600 मीटर की दौड़ को पूरा करने वाले पहले व्यक्ति। यार ये लोग आर्मी में बहाली नहीं होते हैं का? बहाली हो जाओ यार। नहीं भाई, इतना मतलब क्या, कैसे दौड़ते हो 4 मिनट में कम समय से मैं 1600 मीटर की दौड़ को पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने रोजर बैनिस्टर UK के। कौन? UK के। नाम याद रखना बच्चे, और देश का नाम जरूर याद रखना। सैद अविता मोरक्को, जो अफ्रीकन कंट्री है।
यहीं का इब्न बतूता था, याद होगा इब्न बतूता यहीं का था जिसने रेहला लिखा है और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था 1333 में। तो 5000 मीटर की दौड़ को 13 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति, 5000 मीटर की दौड़ को 5000 मीटर की दौड़ को 13 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? सैद अविता जो मोरक्को के निवासी हैं, अफ्रीका के। ठीक है, आगे देखो। उन्होंने 1984 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, 1984 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 5000 मीटर और एथलेटिक्स में 1987 के विश्व चैंपियनशिप और साथ ही साथ 1989 के IAAF वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप में 3000 मीटर की दौड़ जीती है। एक साथ कई सारे रिकॉर्ड को इन्होंने होल्ड किया है, कई सारे रिकॉर्ड को होल्ड किया है। ठीक है, टिस्टोमाकी ये फिनलैंड के हैं। टिस्टोमाकी फिनलैंड, टिस्टो की इमामत समझना, टिस्टोमाकी नाम ही इनका। तो 10,000 मीटर को, अरे भाई साहब देख रो, 10,000 मीटर को 30 मिनट से कम समय में करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति। 10,000 मीटर मतलब समझ लो सर 10 किलोमीटर, आधे घंटे से कम समय में, आधे घंटे से कम समय। तो 10,000 मीटर दौड़ को 30 मिनट से कम समय में करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? टिस्टोमाकी हैं, फिनलैंड के हैं। माकी 30 मिनट से कम समय में 10,000 मीटर दौड़ने वाले पहले व्यक्ति थे और 17 सितंबर 1939 को, देख रो यानी सोचो 29:52.6 में अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले 30 मिनट में किया था, अब देखो 29 मिनट में, क्या बात है। जेसी ओवेंस, ये भी यूएसए के हैं, इंडिया का कोई नहीं है क्या? इंडिया का पीटी उषा है, बाकी बात इंडिया का तभी होगा जब पीछे कुत्ता छोड़ना पड़ेगा ना बच्चे। नहीं, जेसी ओवेंस यूएसए, द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू जंप ओवर 8 meters इन लॉन्ग जंप, लंबी छलांग में 8 meters से अधिक कूदने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति। 8 meters, सोचो कैसे कैसे पर्सन हुए हैं, कैसे कैसे खिलाड़ी स्पोर्ट्स पर्सन हुए हैं वर्ल्ड में, ये देख लो आप सामने है। अब ये कुत्ता मत समझना कि आपने सर क्या लिख दिया। ठीक है, जेम्स क्लीवलैंड जेसी ओवेंस एक अमेरिकी ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं और 1936 के ओलंपिक खेलों में 4 बार के स्वर्ण पदक विजेता थे। उन्होंने बर्लिन जर्मनी में 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक, 100 मीटर लंबी कूद, 200 मीटर और 4x100 meters रिले जीतकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। सर यूं ही कोई जेम्स क्लीवलैंड जेसी ओवेंस नहीं बनता है, तो इससे आप सीख सकते हो और आप अपने क्षेत्र में मुकाम हासिल कर सकते हो, तैयारी को एक नया रूप दे सकते हो। चार्ल्स डुमास यूएसए, देख रहे भरा हुआ यूएसए का, ऊंची छलांग में 7 feet से अधिक दूरी तय करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? चार्ल्स डुमास है। कौन है? चार्ल्स डुमास है जो यूएसए का है, यानी चार्ल्स एवरेट है, जो चार्ली डुमास कहते हैं, अमरीकी हाई जंपर है जो 1956 का ओलंपिक चैंपियन और 7 feet की दूरी पार करने वाले पहले व्यक्ति वर्ल्ड के बने। अब कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियों की बात करते हैं सर। फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली देश कौन है? उरुग्वे 1930। फीफा महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम यूएसए 1991, यानी पुरुष की बात करें तो उरुग्वे, महिला की बात करें तो यूएसए, वो 1930 में या 1991 में। महिला हॉकी विश्व कप जीतने वाली पहली टीम नीदरलैंड 1974 में और क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली पहली टीम वेस्टइंडीज 1975 में, भारत 1983 में दूसरी बार 2011 में। हॉकी विश्व कप जीतने वाली पहली टीम पाकिस्तान
पुरुषों की, और महिला क्रिकेट टीम विश्व कप जीतने वाली पहली टीम इंग्लैंड 1973 में, देख लो आपके सामने ये है। तो ये था आज का इवेंट, कैसा लगा? अच्छा लगा? कुछ नया सीख पाया? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना यार। देखो आपके कमेंट्स ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कमेंट देख के और हमें एनर्जी मिलता है, नहीं कुछ और कुछ नया आपको दे दूँ, क्योंकि ये जो 7-8 मिनट की वीडियो है ना, कुछ नया, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। और अगर अभी तक आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हैं, किसका किसकी राह देख रहे हैं आज आप, सो बताओ भाई। आज मॉडर्न हिस्ट्री की पहली क्लास थी, जुड़िए ना। अगर आपको दिक्कत है किसी भी तरह के जीके का, और साथ ही साथ डियर जीके में, जीएस में, साथ ही साथ आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ, और ऐसा नहीं कि आपको बीच में छोड़ दिया जाएगा, प्री के साथ मेंस भी कवर होगा यहाँ। एक सब्सक्रिप्शन और आपके एसएससी के सारे कोर्स कंप्लीट, एक सब्सक्रिप्शन एसएससी के सारे कोर्स कंप्लीट, चाहे प्री और मेंस हो, एमटीएस, सीडीएल, सीएचएसएल, तो बिल्कुल बाबा टेन।